आरोप की कांग्रेस की पूरी कार्य संस्कृति पर आरोप लगाया है। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के अखिलेश सिंह साहब। अखिलेश जी, संगीन आरोप लगाया है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने, आपकी पार्टी ने भुल्लर को क्यों बचाया? भैया, भुल्लर से पहले अगर हम लोग बचाए होते, बचाने की बात जो न्यायिक प्रक्रिया में पार्टी कैसे बचा सकती, लेकिन कहने वाले को ये नहीं आता क्या कि भुल्लर से पहले राजीव जी के हत्यारे भी अभी भी फांसी पे नहीं लटके हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? कौन बचाता है? जो इसका जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें अभी ये ग्रे एरिया है कि राष्ट्रपति कितने दिनों तक किस चीज पे अपना निर्णय सुनाए, उसके कोई बाउंडेशंस नहीं है। हमें क्या कम पीड़ा होती क्या कि राजीव जी की हत्यारा को अभी तक फांसी नहीं हुई है? आरोप लगा देते हैं लोग तो बिना आधार। साहब का ये कहना कि वो नहीं करना, सोनिया गांधी से मिलने का टाइम मांगते रहे इतने साल तक, उनसे मिली क्यों नहीं वो? देखिए, अभी मैंने सुना बिट्टा जी को दो और नाम लिए उन्होंने, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो पार्लियामेंट में जा रहा है, जो सार्वजनिक जीवन में है, उससे मिलने में अगर कोई मिलना चाहे तो कैसे नहीं मिल सकता है? अजीब सा आरोप है। आप लोग भी हैं, कोई भी है जो सार्वजनिक जीवन में, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में है, उससे मिलने में क्या इतना टाइम लगेगा? ये तो बात हजम नहीं होती ना। आप कह रहे हैं कि ये आरोप हजम नहीं होता कि सोनिया गांधी से मनिंदर जी लोकसभा चल रही है, संसद चल रही जी, मनिंदर जीत सिंह बिट्टा मिलना चाह रहे थे सोनिया गांधी से और सोनिया गांधी ने टाइम नहीं दिया, ये आरोप गलत है? मैं सोनिया जी के साथ साथ दो और नेताओं का नाम उन्होंने लिया। मैंने कहा जो व्यक्ति, जो नेता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, संसद को अटेंड करते हैं, उनके लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि उनसे टाइम नहीं मिला, उनसे मिलने में सोनिया गांधी के लिए ठीक है दो चार दस दिन एक महीना नहीं दो चार। देखिए, ऐसा है ना कि एक आध बार हो सकता है, हम लोग को भी रोज टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि कभी कहीं मीटिंग है कभी कहीं है, लेकिन अगर मिलना चाहे तो ऐसा भी नहीं है कि भेंट नहीं हो पाते किसी की भी, तो ये आप लोग के या किसी के भी गले के नीचे कैसे उतरेगा? पार्लियामेंट में जाने पे आपकी बात सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं मित्तल साहब, वहां अखिलेश जी का कहना है कि ये आरोपी बेबुनियाद है। किशोर जी, मैंने तो उदाहरण दिया आपको, मैंने बताया आपका जो है बहुत विकृत मामला, मैंने आपको बताया कि अब मैं बोलूं जी मित्तल साहब जी, मैं बोलूं ये बहुत विकृत मानसिकता से ग्रस्त है कांग्रेस पार्टी। आप इस सारे मुकदमे को देखिए, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और कहा कि इनको फांसी होनी चाहिए। 2003 से लेकर 2011 तक ये जो है उस पर राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं अपने दोस्त को सुन रहा था कि भाई कानून में कहीं लिखा नहीं है। हाँ, कानून में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कानून विश्वास रखता है कि जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं वो कानून की भावना समझेंगे, वो संविधान की भावना समझेंगे। वो राष्ट्रपति को लिख के नहीं देना चाहते थे कि नहीं नहीं इस जब संविधान बना था कि नहीं आप दो महीने में करना पड़ेगा। संविधान में ये फेथ रखा गया था कि ये प्रोविजन का दुरुपयोग नहीं होगा। आप देखिए हर केस में इस समय आप कह रहे हैं ये प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, दुरुपयोग। और आज मैं नहीं कह रहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इतने समय तक ये ना हो ये ठीक नहीं है। जो चीज आज तक हम चिल्ला के कह रहे थे कि कृपा कानून के विषय में आप जो है राजनीति ना करिए, आप धन की राजनीति ना करिए, आप जाति की राजनीति ना करिए, आप प्रदेश की राजनीति। इसमें क्या राजनीति थी? फांसी नहीं हुई? अरे भाई, किसने रोका था उनकी फांसी देने के लिए? भुल्लर केस में क्या राजनीति थी? दया याचना थी, क्यों नहीं कर दिया आप लोगों ने? मित्तल साहब, आपकी नजर में भुल्लर केस में क्या राजनीति हो ना? भाजपा को छोड़ के कोई ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं है जो यह कह रहा है कि कानून का पालन उसकी लेटर और स्पिरिट में होना चाहिए। जिसने भी कानून का उल्लंघन करा हो, चाहे आतंकवादी गतिविधि में करा हो, चाहे किसी भी गतिविधि में करा हो। अखिलेश जी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, राजनीति की वजह से यह देरी हुई है, इस तरह से आपने बताया। जी जी, पहले मैं मित्तल साहब को बड़े अदब से कह रहा हूं
कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत जिम्मेदार और देश को आजाद करने वाली, हिंदुस्तान के जन जन में बसने वाली पार्टी है। कृपया उस पर इस तरह के विकृत मानसिकता के आरोप न लगावें। शब्दों का चयन सोच समझ के राजनीति में किया करें। कभी ऐसे भाषा का प्रयोग न करें। हम भी बोल सकते हैं लेकिन हमें नहीं बोलना, हमें आपसे बराबरी नहीं करनी है। दूसरी बात, ये जितने लोग अभी भी वेटिंग में हैं फांसी के बाद, ये इनका फैसला कब आया था? किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी। क्या किया इन्होंने? किस पे आरोप लगा रहे हैं? ये राजीव जी के जो हत्यारे थे वो किसके सरकार के थे? नहीं नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, सुन ले, प्लीज प्लीज सुन ले। 2004 में नहीं नहीं, अरे आपने 2003 में आया था, 2004 तक आप थे। क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, चार तो क्यों ने किया? 2003 से 2004 में एक साल बचा। अरे सुनिए, 2003 से 2004 में एक साल बचा। एक से एक 2004 बीच में बोलने की आदत है। जब आप लोग पछाड़ खाते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। बीजेपी की यही है मानसिकता कि जब वो पछाड़ खाते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। उनकी हकीकत है, फिर उसी पे जवाब देंगे। जो बात है सच्चाई लोग सुन ना पावे। नहीं नहीं प्लीज, कांग्रेस की हुकूमत 2004 21 मई को आई थी। 2004 ये फैसला 3 का है क्या? और उसके पहले राजीव जी के हत्यारों का सजा उसके पहले हो चुकी थी ये। और अभी कुछ दिनों पहले तक जिस प्रकार से इनके एक अलायंस बात उठा रहे थे और ये जिस तरह से घुमा रहे थे, और कई बार उन लोगों ने बात उठाई थी जिस तरह से ये लोग बातों को घुमा रहे थे और उनके साथ दे रहे थे, तब ये कहा थे? आज बहुत कूद कूद के बोल रहे हैं। तो जो प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आरोप लगाने का प्रयास न करें। बड़ा साहब मित्तल साहब, अखिलेश जी का इशारा ये अकाली दल के रुख पर है। रजवाना केस में अकाली दल के रुख पर है, उसमें आपका क्या मत है? क्या अगर क्या उसमें अकाली दल बचा रहा? अगर कांग्रेस बचा रही है बुल्लर को, ये आरोप लगता है तो क्या अकाली दल बचा रहा है रजवाना को? ये आरोप नहीं लगेगा? मैं पहले अखिलेश जी को इन्हीं के मुख्यमंत्री जो रहे हैं और पीसीसी के जो अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उनका बयान आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि इनको पता लग जाएगा कि किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। यह है 11 सितंबर का बयान। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैज सेड हिज स्टैंड वाज क्लियर एंड कैटेगोरिकल दैट बुल्लर शुड नॉट बी हैंग एज ही हैज बीन इन जेल फॉर 17 ईयर्स व्हाइल द लाइफ टर्म इज जनरली फॉर 14 ईयर्स। ये तो इनके अमरिंदर सिंह जी का बयान है। 2003 में जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुना चुकी है उसकी फाइल पे आप बैठे रहिए। तो फैसला आ गया, ये हल्की राजनीति नहीं की, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और उसके बाद ये हमें आधार था, दिक्कत क्या हो गई? फैसला आ गया, एक आधार था, ईमानदारी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की, खत्म हो गई है, फैसला आ गया। यही दोहरा चेहरा और यही दोहरी भाषा जो है इसने देश की जनता से राजनीति में विश्वास खत्म कर दिया है। नहीं जी वक्त जी आपने अपना बिंदु देखिए, अरे उस पर फैसला किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। मित्तल साहब आपने अपना बिंदु रखा, अखिलेश जी का कहना उस पर तो फैसला आ गया। अब क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, बस एक जिसका हो मैं बता रहा हूं ना, वो एक मांग उठी थी हर जगह से, लोग इस बात को कहते थे। मित्तल साहब इससे पहले कि वक्त खत्म हो आप ये तो बताते जाइए, चलते चलते ये तो बताते जाइए, रजवाना केस में आप अकाली दल के साथ है या नहीं है? अकाली दल एक राजनीतिक संगठन है, हम लोग उनके साथ सत्ता में पंजाब में है लेकिन वो एक अलग राजनीतिक दल है। और जो गठबंधन का धर्म है उस धर्म के हिसाब से मुझे उनके उस पर टिप्पणी करने का नहीं है, लेकिन भाजपा का क्या पक्ष है ये मैं बार बार सामने रखना चाहता हूं। हमारा पक्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर होना चाहिए। हम हर उस फैसले के साथ है जिसमें न्याय की प्रभुसत्ता को जो है अपहोल्ड करा गया है। हम नहीं चाहते कि किसी भी आतंकवादी या किसी भी कानून के उल्लंघन करने वाले के साथ कोई भी सिंपैथी दिखाई जाए। ये भाजपा का पक्ष जो है इसको मैं बड़े सामने उससे जी चाहे वो अकाली दल ही उस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा हो या उस तरह का रुख दिखा रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मित्तल साहब, और अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहस जब रजवाना केस की बहस होगी तब फिर हम आपसे बात करेंगे। आगे बात करते हैं भुल्लर